बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। हमारा जो आज का ये वाला लेक्चर है, ये वाली जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करनी है कि जो UHS ने आज के दिन MDCAT जो 2023 का MDCAT है वो कंडक्ट किया है, उसके अंदर जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है, बायोलॉजी वाले सेक्शन के कौन कौन से MCQs थे, उनके क्या क्या आंसर्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने तकरीबन पिछले 3 महीने से इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया हुआ है, तो होपफुली आप लोगों के जो आंसर्स होंगे वो सही होंगे। हम एक दफा उनको गो थ्रू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा MCQs आया था, उसका क्या क्या जो है वो आंसर था। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पेज नहीं होगा पेपर का, लेकिन एक चीज हो जाएगी, क्योंकि ये पेपर के जो IDs हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो MCQs शफल हो जाते हैं। हमारे पास कुछ MCQs हमें जो पिछले 15 MCQs हैं वो भी, उनमें से कुछ MCQs मिल जाएंगे, बाकियों के बारे में हम लोग अगेन बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर सपोज्ड टू बी फंक्शनल इन एंसेस्ट्रल स्पीशीज रादर देन इन प्रेजेंट डे स्पीशीज। तो वो कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि हमसे पहले वाले ऑर्गेनिजम्स में सही काम करते थे, कोई ना कोई उनका काम था, लेकिन हमारे तक आते आते उनका फंक्शन बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इन ऑर्गन्स को, जैसे कि इंसानों के अंदर जो है वो अपेंडिक्स होती है, तो इस तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम देते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म। डार्विनिज्म जो था, डार्विन ने जो अपनी थ्योरी प्रपोज की थी उसके अंदर बेसिकली उसने 2 पॉइंट्स रेज किए थे। सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये था कि उसने कहा कि परसीव्ड, उसने यूनिटी इन लाइफ के अंदर बात की कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम या एक ही जानदार से इवॉल्व होकर आए हैं। सेकंड पॉइंट था उसका नेचुरल सिलेक्शन का। तो इसमें जो पहला पॉइंट था, जो एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होकर बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म बने विद वेरिएशंस और म्यूटेशंस, ये हमारे पास उसका मेन पॉइंट था, दैट वाज परसीव्ड यूनिटी ऑफ लाइफ। डिसेंडिंग एओर्टा इज बाइफर्केटेड इनटू 2 वेसल्स व्हिच आर फर्दर डिवीजन फ्रॉम फीमरल आर्टरी that supply blood to thigh muscles of leg। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये form femoral artery बनाती है जो कि thigh muscles को अगर blood provide करेगी, उसे हम iliac artery का नाम देंगे। जो the final destination of lymph is, lymph की जो final destination होती है, पूरी की पूरी body से lymph को इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करके ला के subclavian vein जो होती है उसके अंदर उडेल दिया जाता है, subclavian vein में जाता है lymph। AB blood group system is controlled by more than 2 alleles in a population। जब कभी भी ऐसा होता है कि 2 alleles से ज्यादा alleles जो है किसी population में आती हैं, किसी भी character के अंदर आती हैं, तो वो multiple allelic character जो ना होता है, तो AB blood group system जो है that will be an example of multiple alleles। According to Mendel's law of segregation, the one individual out of 4 in F2 generation had phenotype that failed to express in dash generation। तो F2 जनरेशन तक ही हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था। F2 जनरेशन के अंदर हमारे पास फीनोटाइप रेशो 3:1 थी। F1 जनरेशन में जो फीनोटाइप रेशो थी वो 4:0 कह लें, या 100% ही जो है वो डोमिनेंट फीनोटाइप थी। तो F1 जनरेशन के अंदर वो वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं बना था जो कि F2 जनरेशन के अंदर आ गया। टेस्ट क्रॉस्ड इज मेड टू चेक द जीनोटाइप ऑफ अ ट्रेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस इज द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में ना हम लोग किसी भी डोमिनेंट फीनोटाइप की जो जीनोटाइप होती है वो देखना चाहते हैं। जैसे कि अगर सपोज कर लें हमारे पास एक प्लांट है, वो टॉल है, हमें नहीं पता है कि इस प्लांट की जो जीनोटाइप है वो कैपिटल डी या कैपिटल डी स्मॉल डी होती है, होगी हमें नहीं पता उसका, क्योंकि हमें नजर वो टॉल आ रहा है, इन दोनों से ही टॉल पर प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है। तो हम इसको क्रॉस करवाएंगे रिसेसिव प्लांट के साथ जिसकी जीनोटाइप हमें पता है। तो डॉग प्लांट की जीनोटाइप हमें पता होगी, हम उसके साथ क्रॉस करवाएंगे, ये हमारे पास एक टेस्ट क्रॉस है। ड्यूरिंग स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ATP इज यूज्ड फॉर। एक्टिन फिलामेंट जब स्लाइड करते हैं तो उनके और मायोसिन के दरमियान में क्रॉस ब्रिज बनता है, एक लिंक बनता है, जिसे हम क्रॉस ब्रिज का नाम देते हैं। ATP का काम होता है उस क्रॉस ब्रिज को तोड़ना, ताकि मायोसिन रीओरियंट करके दोबारा एक्टिन को पकड़ के आगे लेके जा सके। तो क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग जो है दैट इज द मेन फंक्शन जो कि ATP परफॉर्म करता है, सबसे पहला फंक्शन परफॉर्म करता है। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल सेल इज, किसी भी मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, बच्चों हम लोग इसके ऊपर काफी दफा बात कर चुके हैं, ये मल्टीपल टाइम्स जो है वो MCQs आ चुके हैं एग्जाम में। सार्कोलीमा कहते हैं किसी भी मसल की सेल मेम्ब्रेन को। इररेगुलर स्ट्राइएशंस एंड इनवॉलंटरी कंट्रोल इज रिलेटेड टू। स्ट्राइएशंस कौन से मसल्स में होती हैं? कार्डियक मसल में भी होती हैं, स्केलेटल मसल में भी होती हैं, लेकिन जो इनवॉलंटरी कंट्रोल है वो किसका है? स्केलेटल मसल्स तो वॉलंटरी होते हैं, उनको तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जो कार्डियक मसल्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इनवॉलंटरी हैं। कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ विच टिश्यू, बच्चों आप लोगों को पता है कार्टिलेज और बोन दोनों कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय।
तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं, इंसानों के पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स को कौन कंट्रोल करता है? उसे हाइपोथैलेमस बेसिकली कंट्रोल करता है। द टर्म मेनोपॉज मीन, मेनोपॉज फीमेल्स में तब होता है जब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप कर जाती है, वो रुक जाती है। इसे हम कहते हैं स्टॉप ऑफ ओवम प्रोडक्शन। जो स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है इसे मेन आर्क का नाम देते हैं, इट इज नोन एज मेन आर्क। टू स्टडी सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला मॉर्गन मेटेड व्हाइट आइड मेल्स, जो कि रिसेसिव होगा कैरेक्टर, विद वाइल्ड टाइप रेड आइज, जो कि डोमिनेंट है। फीमेल्स, व्हाट विल बी द फीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग? बच्चों देखो, जब कभी भी डोमिनेंट और रिसेसिव आपस में मेट करते हैं, हमेशा डोमिनेंट फीनोटाइप जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो वाइल्ड टाइप रेड आइड फीमेल जो थी वो तो डोमिनेंट थी, वो होमोजाइगस डोमिनेंट थी। तो जितने भी बच्चे पैदा होंगे सभी की आंखें रेड आइड होंगी, कोई भी व्हाइट आई वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। एंटीरॉन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, एंटीरॉन जो है वो तीन अलग अलग फाइलम्स के अंदर जो प्रिमिटिव गट है वो पाया जाता है, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो एंटीरॉन्स हैं वो इकाइनोडर्म्स के अंदर पाए जाएंगे। द बॉडी ऑफ विच इज कॉल्ड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, दो फाइलम्स हैं आर्थ्रोपोड्स और एनिलिड्स। जैसे कि अर्थवर्म है, अर्थवर्म की बॉडी जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया टेक्स प्लेस बाय मेलपिजियन ट्यूब्यूल, इंसेक्ट के अंदर होती है, मेटानेफ्रीडिया अर्थवर्म के अंदर होता है, नेफ्रॉन हायर एनिमल्स के अंदर होता है, जो प्लेन एरिया है उसके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है। फोर चेम्बर्ड हार्ट विद राइट सिस्टमिक आर्च ओनली इज प्रेजेंट इन बर्ड्स और मैमल्स के अंदर। फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है, मैमल्स के अंदर लेफ्ट सिस्टमिक आर्च होती है, बर्ड्स के अंदर राइट सिस्टमिक आर्च होती है। तो बर्ड विल बी योर आंसर। द मूवमेंट ऑफ वाटर टू लोअर सोल्यूट कंसेंट्रेशन एरिया थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहलाएगा। द डैश डिस्क्राइब्स हाउ वाटर एंड डिसॉल्व्ड केमिकल्स आर कैरीड थ्रू द सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर गैप्स ऑफ प्लांट्स। तो अगर हमारे पास एक प्लांट है, उसके दो सेल्स हैं, उनके सेल्स के दरमियान में गैप है, उस गैप से अगर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो ये कौन सा पाथवे कहलाता है? इसे हम सिम्प्लास्ट नहीं कहते क्योंकि वो सेल्स के अंदर से मूव करता है। अपोप्लास्ट पाथवे होता है जो कि सेल्स के गैप्स के दरमियान में से मूव करके जा रहा होता है। फीडिंग बाय लिविंग इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड। जब एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड और अपने रहने की जगह के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, बदले में उसको नुकसान वगैरह पहुंचाता है, वो पैरासाइट कहलाते हैं, एंड दिस इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। व्हाट आर द फॉलोइंग वायरस कंटेन्स सिंगल स्टैंडेड डीएनए? एडिनो वायरस के अंदर भी डबल स्ट्रैंड होता है, पार्वो वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है। पॉक्स वायरस तो आप लोगों को पता ही है कि इस दुनिया के सबसे बड़े वाले वायरस हैं, दे कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर? हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, जो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स है या विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स होती है, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। ओनली दोज जीन्स कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली हुज लोसाई आर ऑन। अच्छा, हम लोगों ने जब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या बेसिकली जीन लिंकेज के बारे में बात की होती है, तो हम लोग जनरली होमोलोगस क्रोमोसोम्स को डिस्कस करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो क्यों नहीं होती। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चंद एक जीन्स में होती है जो कि एक दूसरे से बहुत दूर है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, बेसिकली वो डिपेंड कर रहे हैं उनके डिस्टेंस के ऊपर। जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनमें जो जीन्स होती हैं वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करती हैं। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन ऑल मेंशन्ड बिलो एक्सेप्ट। आप लोगों को शायद इस चीज का आइडिया किसी बच्चे को नहीं होगा, किसी बाकी बच्चों को बताओ होगा, लेकिन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्मूथ मसल्स होते हैं, ट्रेकिया के अंदर भी, ब्रोंकाई के अंदर भी, ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी, मगर एल्वियोलाई बहुत छोटे हैं, इनके अंदर मसल्स नहीं हो सकते, तो एल्वियोलाई के अंदर यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। The method of bringing oxygenated air into contact with a gas exchange surface is called. देखें, respiration के बारे में तो हम लोग जानते हैं, जो gaseous exchange है, हम लोग सांस लेते हैं, oxygen को absorb करते हैं, carbon dioxide को निकालते हैं, लेकिन हवा को continuously लेकर आना, हवा को move करवाते रहना, that phenomena is called ventilation. Number of layers of cell wall in gram positive bacteria is, cell wall की जो layers होती हैं gram positive bacteria में वो एक होती है, gram negative में दो होती हैं, तो ये वाला हमारे पास one answer है। Helicobacter pylori is an example of, Helicobacter pylori एक bacillus bacteria है, एक rod shaped bacteria होता है, bacilli है ये। Okay, bacterial cell, एक मिनट ठहरे, मैं इसको move कर लूँ। Bacterial cell have ability to maintain its shape through,
देखें, सेल वॉल बैक्टीरिया की शेप को मेंटेन करती है, स्लाइम का इसमें कोई रोल नहीं है। स्लाइम ने बेसिकली पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करनी है बैक्टीरिया को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया? डिप्लोकोकस एक कोकस बैक्टीरिया है, एसिडिशा कोलाई एक रॉड शेप बैक्टीरिया है, जो हाइफोमाइक्रोबियम है ये भी रॉड शेप बैक्टीरिया है, जो सुडोमोनास है जनरली ये भी बेसिलस होते हैं, लेकिन इनमें सुडोमोनास में चंद एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि विब्रियो टाइप के होते हैं, थोड़े से कोमा शेप होते हैं, तो हम सुडोमोनास की तरफ जाएंगे यहाँ पर। ऑल द फॉलोइंग आर डिसइंफेक्टेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरियल ग्रोथ एक्सेप्ट, अच्छा तो मर्क्यूरिक क्लोराइड एक डिसइंफेक्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो टिंचर ऑफ आयोडीन है ना, ये एक एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक वो चीज होती है जो कि हम लोग लिविंग टिश्यूज के ऊपर लगाते हैं। मर्क्यूरिक क्लोराइड हम लिविंग टिश्यू पे नहीं लगा सकते, हाइड्रोजन परऑक्साइड हम लिविंग टिश्यू पे नहीं अप्लाई कर सकते, पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो हम लोग लिविंग टिश्यू पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारे जो है ना हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स हैं जो नॉन लिविंग सर्फेस को साफ करने के लिए इस्तेमाल होंगे। टिंचर ऑफ आयोडीन जो है वो एक एंटीसेप्टिक है जो कि लिविंग सर्फेस के ऊपर से बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल होगा। द फंक्शन ऑफ हाइलोरोनिडेज एंजाइम इज, अच्छा इसमें हाइलोरोनिडिक एसिड को जो है वो डिग्रेड करना होता है, ताकि जो एग के इर्द गिर्द एक मटीरियल, एक क्लाउडी सा मटीरियल होता है, वो डिजोल्व हो और स्पर्म एग के अंदर पहुंच सके। तो इसमें एंट्रेंस ऑफ स्पर्म इन वजाइना नहीं, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन टू द एग या ओवम ये करवाना है। फिलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है स्पर्म, लेकिन एग तक पहुंचने के लिए उसको एसिड को डाइजेस्ट करना पड़ता है, वहां पे हमारे पास ये एंजाइम काम करता है। तो ए इसका आंसर है। इन ह्यूमन फीमेल्स व्हाट इज द स्मॉल पियर शेप्ड मस्कुलर डिस्टेंसिबल सैक लाइक ऑर्गन वेयर जेस्टेशन टेक्स प्लेस, यानी कि जहां पे प्रेगनेंसी होती है, जहां पे फीटस आके अटैच होता है फीमेल के अंदर, जो एक इन्वर्टेड पियर शेप ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन को हम लोग यूटरस का नाम देते हैं। The labor pains to expel fetus are due to the action of oxytocin on. तो जब ये labor pains होती हैं, जब fetus को body से बाहर निकालना होता है, तो जो oxytocin होता है वो uterus के अंदर जो middle layer होती है जिसे myometrium कहते हैं, myometrium के ऊपर आकर act करता है। Virus is what type of agent? क्या वो cellular agent है? नहीं। क्या वो non-infectious agent है? नहीं। क्या वो infectious agent है? Yes. The molecules used to control virus during infection of animal cells are. तो जब कभी भी animal cells के अंदर infection होता है, तो viruses को control करने के लिए जो molecules produce किए जाते हैं, उनको हम लोग interferons या IF का नाम देते हैं। The provirus of HIV is structurally and chemically made up of. अच्छा जी, जो HIV का simple virus है, वो तो double stranded RNA होता है ना? लेकिन provirus तब होता है जब एक virus का जो DNA है, virus DNA जो है, वो होस्ट के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। जब वो होस्ट के डीएनए में चला जाता है, उसके अंदर जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तब उसे हम लोग प्रो वायरस का नाम देते हैं। तो जो आपके पास एचआईवी है, ये वायरल डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होगा ताकि होस्ट के डीएनए में जा सके, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बेकिंग? बेकिंग के अंदर हम लोग फर्मेंटेशन जो यूज करते हैं वो एरोबिक रेस्पायरेशन नहीं होती, वो एनएरोबिक रेस्पायरेशन होती है। Which is the major event in electron transport chain? Electron transport chain के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा काम जो basically हो रहा होता है, वो क्या होता है? वो ATP synthesis होती है। Out of 36 ATPs जो कि electron transport जो overall हमारे पास respiration में produce होते हैं, how many are produced in electron transport chain? अच्छा, जब हमारे पास glucose को की breakdown हुई, उसमें दो ATP जो produce वहाँ पर होते हैं। इसके बाद जब कभी भी क्रेब साइकिल होती है, जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो गया, पाइरूविक एसिड बन गया, पाइरूविक एसिड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में, वहां पर एनएडीएच प्रोड्यूस होंगे, एटीपी प्रोड्यूस नहीं होंगे। एसिटाइल कोएंजाइम ए चला गया उसके अंदर क्रेब साइकिल के अंदर, जब क्रेब साइकिल के अंदर जाएगा तो एनएडीएच और एफएडीएच2 प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ एक क्रेब साइकिल के अंदर एक एटीपी होना है। दो पाइरूविक एसिड थे, दो दफा क्रेब साइकिल चलेगी तो दो एटीपी वहां पे प्रोड्यूस होंगे। तो दो, ये टोटल चार एटीपी हमारे पास बाहर प्रोड्यूस हो गए, रिमेनिंग 32 एटीपी जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोड्यूस होंगे। द मेजर एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज इज, जो मेजर एंजाइम इस्तेमाल होते हैं एटीपी से ग्लूकोज पे फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए, जो कोई भी फॉस्फेट ग्रुप को कहीं से भी ग्लूकोज पे ट्रांसफर कर रहे हो, किसी भी मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर कर रहे हो, वो काइनेज एंजाइम होते हैं। डैश फॉर्म्स ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द बॉडी वेट, बॉडी बाय वेट, हमारी बॉडी में 3/4
या 75% कौन सी चीज होती है, वो वाटर होता है। एनर्जी इज डैश बाय ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जब भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर वंस में कन्वर्ट किया जाता है, एनर्जी रिलीज होती है। इन्हें हम लोग कैटाबोलिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। बायोलॉजिकली डैश प्लेज की रोल इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। लिपिड जो होते हैं पानी में डिजोल्व नहीं होते, दे आर हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो होती है वो बाइलेयर मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। The specific heat of vaporization of water plays an important role in the regulation of heat produced by. तो जो हीट होती है हमारी बॉडी में किस चीज की वजह से प्रोड्यूस होती है, बेसिकली ऑक्सीडेशन होती है जब किसी मॉलिक्यूल की, उसमें से एनर्जी निकलती है बाहर तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। Which type of bond must be broken for water to vaporize? अगर पानी वेपराइज हो रहा है तो उसके कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूट रहे, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो मॉलिक्यूल ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटते हैं तब पानी वेपराइज होता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिगार्डिंग बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज। दोनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास इन दोनों के बारे में स्टेटमेंट ट्रू है। बोथ कैन बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, नहीं, क्योंकि सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता। बोथ यूज फॉर एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स भी नहीं होता। सेलुलोज जब उनके बॉडी को स्ट्रक्चर को बना रहा होता है, स्टार्च जो होता है वो एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज होता है। तो मोस्ट ऑफ द मोनोसेक्राइड्स फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर व्हेन इन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल राइबोज विल फॉर्म अ फाइव कॉर्नर्ड रिंग नोन एज राइबोफ्यूरानोज। राइबोज जब हम पानी में डालते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वो एक रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जिसे हम लोग राइबोफ्यूरानोज का नाम देते हैं। नंबर ऑफ मेजर लेयर्स ऑफ सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसी पेपर के अंदर, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये इसके अंदर एक हमारे पास सेल वॉल की लेयर होती है। साइक्लोसिस एंड अमीबॉइड मूवमेंट्स आर ड्यू टू। साइक्लोसिस बेसिकली जो साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स होती हैं, ये माइक्रोफिलामेंट्स करवाते हैं। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मॉडिफाइड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बाय विच सेल ऑर्गेनेली। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इनको मॉडिफाई करता है। Which structure of prokaryotic cell will play the role of mitochondrion? Prokaryotes में या bacteria में जो mesosome होते हैं, जो cell membrane की infoldings होती हैं, they are the closest structure to mitochondria in prokaryotes. Cell wall of prokaryotic cell is composed of, इसमें basically prokaryotes की जो cell wall होती है उसे हम लोग peptidoglycan का नाम देते हैं। तो peptidoglycan में protein और carbohydrate, ये दो चीजें मिलकर इसको बनाती हैं। अब चंद एक एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पे मिस हुए हैं। अब ये किसी बच्चे ने सॉल्व किया हुआ था पेपर, इसमें चंद एक एमसीक्यूज गलत भी होंगे, बाकी सही भी होंगे। तो व्हाट इज द ट्रू अबाउट ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन के बारे में कौन सी चीज जो है वो ट्रू है? इसने किडनी की ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट नहीं करना, ICSH या इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन को स्टिम्युलेट नहीं करना। इसने मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को इजेक्ट करवाना है, यानी कि डायलेट करना है मिल्क डक्ट्स को। In a typical nerve, the action potential duration is 1 millisecond, not 1 microsecond. ये microsecond तक नहीं होता, millisecond के करीब होता है। During resting membrane potential, जब एक neuron जब nerve impulse transmit नहीं कर रहा, outer surface of a neuron is more positive, yes, our inner surface is negative, यहाँ पे option गलत है, बच्चे ने जो option लगाई थी, तो हमारे पास इसका answer A होगा। The value of active membrane potential of the neuron is, जब एक action potential generate होता है, बच्चे ने यहाँ पे 0.07 volt लगाया हुआ है, यहाँ 70 millivolt लगाया है, जो कि गलत है, ये 0.5 millivolt है। अगर ये 0.07 भी हो, तो वो negative में होता है और वो resting membrane potential होता है। जो यहाँ पे पूछा गया वो action membrane potential पूछा गया, तो वो positive में 0.05 volt होगा। The chemical messengers that transmit action potential across the synapse in the form of chemicals are, वो chemical messenger जो के synapse में use हो रहे होते हैं, उनको हम लोग neurotransmitter का नाम देते हैं। The pressure receptors that receive deep pressure stimulus in human body are called, जो Meissner corpuscles होते हैं, ये slight touch को महसूस करते हैं, Pacinian corpuscles जो होते हैं, इन्होंने deep pressure को महसूस करना है। Cells of different types can be distinguished on the basis of surface. एक cell की जो surface होती है, जो cell membrane होती है, उसके ऊपर glycolipids और glycoproteins, basically जो carbohydrates होते हैं, वो cell की identification करते हैं, globular proteins नहीं होंगी। इसका answer C है। Mitosis, a type of cell division is observed in E. coli bacteria, इसके अंदर mitosis नहीं होती, binary fission होती है। Blue green algae, cyanobacteria, इनके अंदर mitosis नहीं होती। Nostoc एक eukaryote है, इसके अंदर mitosis होती है। तो सेल वॉल ऑफ ये हम लोगों ने कर लिया है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अगेन हमारे पास
ये बाकी सारे के सारे जो एंजाइम वो एमसीक्यूज हो चुके हैं। तो बच्चों ये आपके पास एक यूएचएस का जो एमडी कैट 2023 का एग्जाम था, मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों के कितने एमसीक्यूज जो है वो सही हुए हैं, और अल्लाह ताला आप सभी लोगों को कामयाब करे, आप सभी को आपकी जो मेहनतें हैं उनका सिला अता फरमाए, आमीन। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।